हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग का डेली एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग सारे ही टेक्निकल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके यूपी पीसीएल यूपी आरविनल डीएमआरसी राजस्थान टेक्निकल हेल्पफुल एएलपी तथा अन्य टेक्निकल परीक्षाओं के लिए अति इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अति इम्पॉर्टेंट का मतलब अब तो ये सब क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कोशिश किया गया कि आप लोगों को क्या किया जाए, सीरीज के माध्यम से डेली कुछ न कुछ क्वेश्चन रिवीजन किए जाएं जो कभी ना कभी किसी न किसी पिछले वर्षों किसी न किसी पेपर में पूछा ज़रूर गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चलाई गई है। अगर ये वीडियो या फिर ये क्वेरी आपको पसंद आ रही हो, ये क्वीज आपको पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बेसिकली ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हुआ गया, यानी कुछ वैल्यू दी होगी या फिर कुछ पैरामीटर दिए होंगे, उसके कुछ यूनिट दिए होंगे जो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसमें ऐसा यूनिट नहीं होंगे, तो उसमें ध्यान क्या देना है, जैसे केजी भार की यूनिट एकदम सही दिखाई गई है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, धारा की, ये भी सही दिखाई गई है, ज्योति तीव्रता किसकी होती है, यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ये भी दिया गया। अब लुमिनस फ्लक्स पूछ देगा तो लुमेन हो जाएगा, इल्यूमिनेशन पूछ देगा तो लक्स पूछ देगा, लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है तो एफिशिएंसी होती है, ये सब सारी चीज़ें आपको लुमेन पर वॉट जो होता है क्या होता है लुमिनस एफिशिएंसी की फॉर्मूला होता है, तो ये सब सारी चीज़ें यूनिट आपको ध्यान देखनी है। मगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है तापमान का, तो तापमान का कैल्विन होता है बाबू। ठीक है, टेम्परेचर का क्या होता है, कैल्विन होता है, न कि सेल्सियस होता है। और कैल्विन की बात करते हैं तो 1 केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, 273। ठीक है, प्लस सी कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, कैल्विन निकल जाता है। ठीक है, 273 प्लस सी जोड़ देते तो हमारा कैल्विन निकल जाता है, या फिर यहाँ पे सी देखना चाहे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, कैल्विन माइनस 273, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर आंसर करेक्ट आंसर देखें तो तापमान का सी करेक्ट आंसर है, मगर ये जो मिला गया है ये ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था हमारा तापमान का कैल्विन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया गया, देखो द्रव्यमान की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है जो एकदम सही है, धारा की होती है एम्पियर, ये भी एकदम सही है, ज्योति तीव्रता जो होती है कैंडेला होती है, ये भी सही है, जो कि तापमान की ऐसा यूनिट क्या होती है, कैल्विन होती है, न कि सेल्सियस, ये चीज़ें याद रखनी। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में भी बहुत बार होता है तो वो कन्वर्जन याद आना चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इतला देखते हैं, इसमें पूछा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, स्टूडेंट नहीं बाबू, स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट नहीं है, क्या है ये, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया। ठीक है, में फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है लगभग, देखिए एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो डिफ्लेक्शन होता है लगभग कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ से लिखना ऐसे ऐसे इसका यूनिट होती है, ऐसे 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 स्केल बना होता है। ठीक है, और अधिकतर देखते हैं कितना होता है, ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होती है, या फिर बहुत होगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है, ये सीधा ऐसे बना रहेगा, ऐसे नीडल निकली रहेगी, या फिर क्या होता है, ऐसे बनी रहेगी, यहाँ से ऐसे नीडल निकलेगी। मगर एकमात्र ऐसा ये होता है इंडक्शन जो कुछ इतने एंगल तक डिफ्लेक्शन दे सकता है, नीडल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो सकता है, पूरा नीचे तक, यहाँ तक अगर ऐसे लगाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिफ्लेक्शन दे सकता है, तो इंडक्शन ही टाइप होता है ऐसा। ठीक है, जो 300 डिग्री तक क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो याद रखना है इंडक्शन टाइप कितना देता है, 300 डिग्री तक देता है। और ये भी याद रखना है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कौन सी डैम्पिंग, तो एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार डैम्पिंग पूछा जाता है, हर एग्जाम में डैम्पिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये एकमात्र ऐसा क्या होता है जिसमें करंट कॉइल होती है और पोटेंशियल कॉइल होती है बाबू। ठीक है, तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसमें जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो क्या होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, जैसे किलोवाट आवर भी क्या एक तरीके से इंडक्शन टाइप प्रिंसिपल पर काम करता है, इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए उसका भी पोटेंशियल कॉइल का क्या होता है, हाईली इंडक्टिव होता है, ये चीज़ याद रखना। और डायनेमोमीटर पूछता है तो डायनेमोमीटर क्या होता है, हाईली रेसिस्टिव होता है, ये चीज़ याद रखना। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर पूछ दे, कोई भी पूछ दे तो हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल कॉइल हाईली रेसिस्टिव होता है, और जबकि जो हमारा पोटेंशियल कॉइल होता है इंडक्शन टाइप का हो या किलो वाट आवर हो, वो हमेशा क्या होता है, हाईली
इंडक्टिव होता है, और उसमें क्या होता है डायनमोमीटर टाइप में हाईली रेसिस्टिव होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 300 डिग्री हमारा एकदम सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में फुल स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 300 डिग्री होता है। इन वॉट मीटरों में चुंबकीय आवंधन वही एडिक एंड डंपिंग ये सब सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या होता है जो इसकी प्रेशर क्वालिटी होती है हाईली रेसिस्टिव है सारी चीज़, अरे सॉरी हाईली इंडक्टिव है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए अगला स्लाइड क्या पूछा है, जब धारा एक निर्धारित से अधिक बहने लगे, ठीक है, जब धारा निर्धारित से अधिक बहने लगे तब किस रिले का प्रयोग होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब धारा ओवर बहने लगे तो हम ओवर करंट रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ओवर करंट जब एक्साइट होने लगता है तो होता क्या है, इसमें ओवर करंट बहने की वजह से क्या होता है ओवर करंट रिले क्या हो जाता है एक्साइट हो जाता है, और क्या होता है वो कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है हाईली करंट ना बह पाए, जिससे वाइंडिंग ये सब जलने का यानी जो हीट जनरेट होने का खतरा होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक करंट बहने पर हमारा ओवर करंट रिले क्या होता है परफॉर्म होने लगता है, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये देखिए पूछा है अगला क्वेश्चन क्या है, फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने हेतु निम्न से किसका प्रयोग होता है। बहुत तेजी सवाल है और बहुत ही ट्रिकी है। ठीक है, देखिए फेज एडवांसर किसका प्रयोग करते हैं, फेज एडवांसर यानी फेज एंगल में जब एडवांस होता है तो हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में लगभग प्रयोग करते हैं। ठीक है, टैप चेंजर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फीडर में कभी भी टैप चेंजिंग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा या सर्विस मैन में होगा, फीडर में कभी टैप चेंजर का प्रयोग करते ही नहीं। ठीक है, इंडक्शन रेगुलेटर से कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे इंडक्शन रेगुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बूस्टर होता है बाबू हमारा, ये बूस्टर हमारा सही आंसर है। ये जो बूस्टर होता है बूस्टर करता क्या है कि जैसे लाइन बढ़ रही है, लाइन डिस्टेंस के साथ बढ़ती गई चली गई तो लेंथ बढ़ रहा है कंडक्टर का, तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होगा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे मान लो 400 वोल्ट हम सप्लाई दिए और पहुँचा रहे थे वेनिंग पे हमारा 380 ही वोल्ट पहुँचा, तो 20 वोल्ट कहाँ खा गया हमारा कंडक्टर में हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो उसको जो 20 वोल्ट जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है हमारा जो कहीं खपत हो गया है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है हमारा बूस्टर करता है। इसीलिए क्या बोला गया है कि फीडर परिपथ में स्थिर वोल्टता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बूस्टर का। स्थिर वोल्टता कब होगा कि 400 वोल्ट दिए तो रिसीविंग एंड पे भी 400 वोल्ट मिले, तो ये बस मेंटेन करने का काम ही केवल और केवल बूस्टर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और बूस्टर अधिकतर पूछता है बाबू बूस्टर किस में प्रयोग होता है, बूस्टर अधिकतर हम प्रयोग करते हैं किस में, डीसी ट्रांसमीटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी ट्रांसमीटर में अधिकतर बूस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बूस्टर होता है किसका बना होता है डीसी सीरीज जनरेटर। देखो ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं कि बूस्टर में किस जनरेटर का प्रयोग होता है, तो डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जा रही हैं। यानी ये क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ऐसा सवाल किसी न किसी पेपर में, और कहीं ना कहीं टकराएगा आपसे। ठीक है, आगामी पेपरों में भी एग्जामों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय के समानांतर एवं लंबवत दिशाओं में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं। देखो होने वाली दिशाओं में बदलाव का मतलब सिंपल लिखा हुआ यही कहना चाह रहा है कि लंबवत और समानांतर में कुछ एरिया का परिवर्तन होता है। ठीक है, देखो होता क्या है, हम बोलते हैं कि हमिंग की साउंड आ रही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सर बहुत तेज हमिंग की साउंड आती है, तो हमिंग की साउंड वो क्यों होता है, जब फ्लक्स के साथ उसकी लिंकेज होती है कोर की तो क्या होता है थोड़ा हीटअप होता है, हीटअप होने के कारण क्या होता है इसके लेंथ और ब्रेथ में क्या होती है वृद्धि होती है, वृद्धि होने के कारण क्या होता है इसके डेंसिटी में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके फ्लक्स डेंसिटी में प्रभाव पड़ता है, फ्लक्स डेंसिटी में प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि सर हम जानते हैं बी बराबर फाई अपॉन ए होता है, तो होता क्या है जब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होता है तो हीटअप होने के कारण कुछ इसका लंबाई और चौड़ाई में कुछ क्या होता है एरिया में परिवर्तन होता है कोर के, तो एरिया में परिवर्तन होगा तो इसके फ्लक्स डेंसिटी में भी परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होता है इसमें थोड़ी हमिंग की साउंड यानी वाइब्रेशन देखने को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि स्टैम्पिंग तब सही यानी जो हम कसे गए हैं स्टैम्पिंग जो किए हैं टाइटनेस किए हैं वो थोड़ा अपर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो वाइब्रेशन होने लगता है, तो इसी दोष को हम क्या बोलते हैं मैग्नोस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जो एरिया में परिवर्तन हो जाता है फ्लक्स डेंसिटी में परिवर्तन हो जाता है इसी को मैग्नोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये नाम है याद रखना, हमिंग साउंड में अधिकतर यूज होता है मैग्नोस्ट्रिक्शन। ठीक है, पूछता है हमिंग साउंड किसके कारण होता है, तो मैग्नोस्ट्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ बताएं मैग्नोस्ट्रिक्शन होता है क्या कैसे आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट को देखते हैं स्लाइड। चलो
तो यहाँ पे पूछा है मूविंग आयरन यंत्रों का स्केल कैसा होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार फेवरेट भी है, ठीक है। देखो पहला चीज मूविंग आयरन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके ऐसे खींच दिया जाएगा, तो ये मूविंग आयरन का सिंबल है, याद रखना है। सिंबल बहुत बार पूछा, जी के पेपर में पूछा गया है मूविंग आयरन का सिंबल क्या होता है लखनऊ मेट्रो में, ठीक है। तो मूविंग आयरन का सिंबल ये होता है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़, इसका स्केल जो होता है वो क्या होता है, लीनियर कि नॉन लीनियर। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है बाबू, इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, याद रखना। ये एसी तथा डीसी दोनों पे कार्य करता है। मापता क्या है, आरएमएस वैल्यू को मापता है, ठीक है। इसमें कौन सी डैम्पिंग प्रयोग होती है, इसमें जो प्रयोग होती है डैम्पिंग, कौन सी डैम्पिंग प्रयोग होती है, एयर फ्रिक्शन, याद रखना है। कौन सी डैम्पिंग का प्रयोग होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। देख लो कितनी चाहिए सारी चीज़ें हम लोग क्लियर डिस्कस करें, इसलिए बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज चल रहा है। पीछे 14 तारीख से जितने भी क्यूज अपलोड होने स्टार्ट हुए वहाँ से देखना स्टार्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन तुम्हारे लिए हो रहा है, ठीक है। सुबह सुबह उठ कर तुमको एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा, कितना सवाल हम लगा रहे हैं और इससे रिलेटेड कितना सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, एसी डीसी पे काम करेगा, आरएमएस मेथड करेगा, एयर फ्रिक्शन होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है, आई आरएमएस, ठीक है। क्योंकि आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर होने के कारण। और यही मूविंग कॉइल जो होता है हमारा वो क्या होता है, लीनियर होता है। मूविंग कॉइल जो होता है हमारा लीनियर ग्राफ बनता है। और अगर इसका देखें ग्राफ कैसा बनता है मूविंग आयरन का, तो मूविंग आयरन कुछ इस तरीके से, ये मूविंग कॉइल है, ये मूविंग आयरन, ये देख लो लीनियर बन रहा है स्केल और ये नॉन लीनियर बन रहा है स्केल, ठीक है। यानी सिंपल देखें तो तुम कहीं भी देखोगे तो इक्वल भागों में इसकी डिस्टेंस बटी होती है, किसकी, मूविंग कॉइल की, इसलिए लीनियर रहता है। यही तो अगर तुम कहीं पैमाना देखोगे, किसी भी वोल्ट मीटर को उठाओगे तो कहीं यहाँ पे डेंस हो जाएगा ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे दूर हो जाएगा, यहाँ पे दूर होता गया, फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर स्केल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बाबू, सारी रिलेटेड इससे जी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है मूविंग आयरन का स्केल, ठीक है, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको क्रैम्प्ड भी लिख देगा, क्रैम्प्ड भी लिख देगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। चलो तो आज के का सेशन यहीं पे आप सकते हैं, आई होप बाबू तुमको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, ये जो क्विज चल रहा है डेली की डेली तुमको पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में अपने साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, डेली ये क्या होती है तुम्हारे लिए, डेली तुम्हारे लिए केवल और केवल तुम्हारे लिए क्या होती है, ये वीडियो डाले तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुमको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो लेक्चर पूरे पढ़े हुए हैं, पूरे प्लेलिस्ट के साथ पढ़े हुए हैं, 70 से 75 लेक्चर में पूरे ख़त्म हो गए हैं कोर्सेज, ठीक है। तुम उनको भी देखो, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। सीधे ऑफलाइन क्लास का प्रसारण किया गया है वहाँ पे ऑनलाइन के लिए, ठीक है, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी को शुरू स्टार्ट करो, वैकेंसी आएगी, तुम हमें तो विश्वास है कि तुम कर लोगे अगर ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।